पानी जिंदगी का आधार है, हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा है और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम समेत कई ज़रूरी मिनरल्स का स्रोत है। इसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रॉपर होने चाहिए। तो आमतौर पे लोगों का मानना होता है कि अगर पानी देखने में सही है और पीने में मीठा है तो क्वालिटी ठीक है, और इसलिए आजकल बहुत सारे लोग RO वाटर और बॉटल्ड वाटर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम और बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई है कि WHO को एक वार्निंग जारी करनी पड़ी है। पिछले साल कोलकाता में जो भी जितने ब्रांडेड वाटर्स आते हैं उनका कंपैरिजन वहाँ के नलके के पानी के साथ किया गया था, और पाया ये गया कि नलके का पानी ज़्यादा सेहतमंद है। RO और बॉटल्ड वाटर में तीन बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम TDS की, दूसरी मिनरल्स की, और तीसरी प्रॉब्लम्स प्लास्टिक्स की। TDS मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड, कि पानी में क्या क्या घुला है, कितना घुला है। अगर पानी का TDS कम हो तो पानी हाइपोटोनिक होता है, अगर TDS ज़्यादा हो तो हाइपरटोनिक। पीने के पानी को ना तो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक। और सबसे बढ़िया टोनिसिटी मिलती है 350 TDS पे। वैसे 250 से 500 की पूरी रेंज ही बढ़िया है, और 1000 TDS तक का पानी पिया जा सकता है। पानी का TDS 100 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 से कम के TDS का पानी बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक होता है, और इतना हाइपोटोनिक वाटर जो बॉडी का एक बैलेंस होता है जिसको होमियोस्टेसिस कहते हैं उसको गड़बड़ कर देता है। और होमियोस्टेसिस गड़बड़ होने से कई बीमारियां हो जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से लेके हेयर फॉल तक, लंबी लिस्ट है। और WHO को वार्निंग इसलिए जारी करनी पड़ी कि RO और बॉटल्ड वाटर पीने वाले 99% लोग 100 से नीचे का TDS का पानी पी रहे हैं, और ये सब हो रहा है स्वाद के चक्कर में, क्योंकि 75 से 65 के बीच में पानी का स्वाद सबसे मीठा होता है। और जहाँ तक मिनरल्स का मामला है, तो जब RO मेम्ब्रेन से पानी फिल्टर होता है तो बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, दूसरी तरफ ही रह जाते हैं, मतलब पानी के 90% मिनरल्स कम हो जाते हैं, और यही हाल बॉटल्ड वाटर का है। अब मज़े की बात यह है कि बॉटल्ड वाटर को आमतौर पर मिनरल वाटर कहा जाता है, जबकि स्थिति एकदम उल्टी है, उसमें मिनरल्स बहुत कम हैं, वो डीमिनरल्ड है। और ये बीच में एक लीगल इशू भी हो गया था, और उसके बाद से ये हुआ कि जो भी ब्रांडेड वाटर बनाने वाले हैं उन्होंने मिनरल वाटर लिखने की जगह पैकेज वाटर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन आम जनता को अभी भी यही लगता है कि बॉटल्ड वाटर मिनरल वाटर है। और जहाँ तक ये जो प्लास्टिक की बात है, तो क्या होता है कि जब RO मेम्ब्रेन से बहुत प्रेशर से पानी फिल्टर होता है तो काफ़ी प्लास्टिक उसमें घुल जाता है, और ऐसे ही जब बॉटल में पानी बहुत दिन रखा रहता है, कई हफ्ते कई महीने, तो भी प्लास्टिक उसमें घुलता है। और ये घुलना इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि 100 से कम के TDS का पानी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, हाइपोटोनिक होने की वजह से कई चीज़ों को वो घोलता है, और ये डिसॉल्व प्लास्टिक खतरनाक हैं, कैंसर समेत कई बीमारियाँ कर सकता है। अब सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि बॉटल्ड वाटर बिल्कुल पीना बंद कर दें, और दूसरी चीज़ आप अपने घर के पानी का TDS चेक करें, अगर TDS 900 से ज़्यादा है तो RO लगा लें, और RO का आउटपुट का जो TDS है उसको 350 पर रखें। 900 से कम TDS पे RO लगाना सेंसिबल नहीं है, क्योंकि उससे जो स्वाद का फ़ायदा होता है उसके तुलना में जो डिसॉल्व प्लास्टिक है उनका नुकसान ज़्यादा है। तीसरा काम ये करें कि पानी को मिट्टी के घड़े में रखें, और घड़े को ऐसी जगह रखें जहाँ पे धूप आती हो और हवा आती हो। घड़ा बहुत कमाल की चीज़ है, अगर पानी का TDS ज़्यादा है तो घड़ा थोड़े मिनरल्स निकाल लेता है, और अगर TDS कम है तो अपनी तरफ से मिला देता है, और जब उसको हम खुली हवा में धूप में रखते हैं तो पानी अच्छी तरीके से ऑक्सीजनेट और सैनिटाइज हो जाता है। घड़े के पानी का मुकाबला कोई नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी की, कितना पानी पिएं, कब कब पिएं और कैसे पिएं। तो हमको रोज़ 2.5 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम इससे कम पानी पिएं तो कई प्रॉब्लम होती हैं, जिसमें से पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारी बॉडी वाटर रिटेन कर लेती है। एक बिल्कुल उल्टी सी चीज़ है, जब आप पानी कम पीते हैं तो बॉडी वाटर रिटेन करती है, और रिटेन करने से वज़न तो बढ़ता ही है और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा अगर कम पानी पी रहे हैं तो किडनी स्टोन यानी कि पथरी हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो 10 से 12 गिलास पानी हमें पीना चाहिए। अब पानी पीने में ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पानी पीना ठीक नहीं है, कायदे से एक बार में 2 गिलास पानी पीना चाहिए। तो हम ऐसा कर लें कि दिन भर में 5 बार में 2-2 करके 10 गिलास पानी पी लें। खाना खाने को और पानी पीने को भी मिक्स नहीं करना चाहिए, जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाएँ और जब पानी पी रहे हैं तो पानी पिएँ।
और आखिरी सलाह ये है कि अगर मजबूत बनना है, चतुर सुजान बनना है, तो हमें घाट घाट का पानी पीना चाहिए। अपनी बॉटल लटका के घूमना ठीक नहीं है। सोचिए, जब हमारी सांसें साझा हवा में हो सकती तो हमारा पानी साझा क्यों नहीं हो सकता है? अगर कहीं का पानी ख़राब भी हुआ तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डायरिया होगा, जो बॉटल्ड वाटर के कैंसर जितना खतरनाक तो नहीं है।